गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एसक्यू डिजिटल क्लासेस। माइसेल्फ डॉक्टर आकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर विच इज नामली इज सेल्फ ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। इट्स अ स्पेशली यूज फॉर बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। सो इन द टॉपिक ऑफ ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, जिसकी बेसिकली आज हम बात करेंगे स्वपरागत फसलों में कैसे हम सिलेक्शन मेथड को यूज करते हैं और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, क्या क्या मेथड आते हैं और किस पर्पस पे यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहली बात आएगी सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चयन। चयन हिंदी में जैसे बात करेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है कि हम किसी भी क्राइटेरिया, कोई भी एक पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं और उस आधार पर हम क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेटेड में आएंगे बेसिकली तीन चार प्रकार के मेथड हैं। जैसे मास सिलेक्शन है, क्रम में सबसे पहले आएगी मास सिलेक्शन की बात। मास सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुंज विधि। मास सिलेक्शन मतलब बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की, ये स्पेशली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यूज होता है, लेकिन इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप में भी यूज कर सकते हैं। और भी एक बात आएगी, इसका सबसे अच्छा रहता है कि जो देसी वेराइटियाँ रहती हैं जिनमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसका इम्प्रूवमेंट करना, उसके इम्प्रूव करने के साथ साथ जो उनमें जितना भी वेरिएबिलिटी है उस वेरिएबिलिटी को हटाकर एक नई वेराइटी जनरेट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसकी जिसी क्रम में ये लिखा रहता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर सिमिलरली फिनोटाइप्स एंड सिलेक्टेड आर द सीड मिक्स टुगेदर टू कंस्टिट्यूट ऑफ न्यू वेराइटी। उनको लार्ज नंबर ऑफ वेराइटियों को हमने एक बड़े पैमाने में इकट्ठा किया वेराइटी को, उसको हमने फिनोटाइपिक बेस पे ग्रो किया और देखा, देखने के बाद हमने उसके बारे में जो एक सिलेक्शन करते हैं या जो देसी वेराइटी होती है उस वेराइटी को हम इम्प्रूव करने के माध्यम से, इम्प्रूव करने के लिए हम उसको ग्रो करना और उसके एक पैरामीटर को चयन करने के बाद हमने उस बेस में उस वेराइटी को जो भी देखते हैं बेसिक चयन करने के बाद जो उसमें सिलेक्शन निकलता है उस वेराइटी को या जो सिलेक्टेड वेराइटी निकलती है उसको हम एक न्यू वेराइटी के रूप में ग्रो करते हैं। अब उसकी बात आएगी कौन कौन से हम पैरामीटर यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अभी रबी सीजन की, तो रबी सीजन में आएगी वीट। वीट इज़ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप इन बुंदेलखंड, ऑल ओवर इन इंडिया, यूपी, एमपी, बिहार, एवरीवेयर वीट बहुत अच्छा और प्रोफेशनल वे में इसको ग्रो किया जाता है। चाहे वो आप बिजनेस पर्पज़ में मान लो, कल्टिवेटेड पर्पज़ में मान लो, या किसी भी तरीके से यूज हम कर सकते हैं। तो वीट को एक बड़े पैमाने में और अच्छे तरीके से ग्रो करता है, किया जाता है। तो वीट की बात करें तो वीट में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट की हाइट, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी वे में ग्रो करना। तो जैसे देसी वैरायटी को हम ग्रो करेंगे तो देसी वैरायटी हम देखते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी में हमें ग्रो करना है। जैसे कि यूनिफॉर्मिटी में हमने इसको ग्रो किया, ग्रो करने के बाद यदि देखते हैं तो उसमें एक दो प्लांट्स ऐसे दिखाई देते हैं जो कि टॉल होंगे या डॉर्फ कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं प्लांटों को निकालने के बाद उनके बारे में अध्ययन करना, और अध्ययन करना तो ये जो मिक्सअप देखने को मिलता है इस प्रकार से क्या रहता है कि इसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। जो मिक्सअप देखने को मिलेगा वो क्या रहता है, एक हिसाब से वेरिएबिलिटी बोलते हैं उसको। वेरिएबिलिटी के बारे में, जो वेरिएबिलिटी है उस पैरामीटर को हम मास सिलेक्शन के माध्यम से नई वेराइटी बनाने के लिए जो यूज किया जाता है मेथड, उसको हम मास सिलेक्शन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन मेथड, क्या क्या एप्लीकेशंस यूज करते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम इसमें दिया है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो भी होगा मास सिलेक्शन है सब मेजर एप्लीकेशन। दो बेसिकली देखे जाते हैं कि दो हम उसके बारे में पैरामीटर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है, इम्प्रूवमेंट। जैसा भी हमने लास्ट टाइम आपके बारे में बताया कि इम्प्रूवमेंट करना है, किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट करना है, या तो वो देसी वेराइटी होगी या फिर वो कौन सी होगी, लोकल वेराइटी होगी, लोकल मान लो या देसी वेराइटी मान लो, इनके बारे में सबसे पहला महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ उसका प्यूरिफिकेशन करना, किस पर्पस पे, कि प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड उसमें अप्लाई हो सके। तो इसलिए हम जो भी प्यूरिफिकेशन करेंगे उसके लिए हमने जो मेथड यूज किया है या जो एप्लीकेशन यूज किया है वो एप्लीकेशन किसके तहत यूज होता है, मास सिलेक्शन मेथड के थ्रू यूज होता है। तो आगे हम बात करेंगे मास सिलेक्शन क्या कहलाता है, अब इसका प्रोसीजर मास सिलेक्शन का। तो मास सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है, एक छोटा सा सिस्टमेटिक डायग्राम या फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसमें बताएंगे कि मास सिलेक्शन को कैसे और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो मास सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मास सिलेक्शन के लिए हम प्रोसीजर अपनाने के लिए
सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक ऐसी वैरायटी जो कि हाँ कल्टीवेटेड वैरायटी हो, जैसे मान लो कोई वैरायटी हमने व्हीट की ले ली, एक्स वैरायटी, एक्स वैरायटी का बड़े स्तर से ग्रो कल्टीवेशन हमारी लोकल एरिया में चल रहा है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है या संतुष्ट है, और किस वजह से? क्योंकि अदर उसने अगर जगह देखा, या जैसे इस रीजन में मान लिया मैंने बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन में एक वैरायटी निकली एक्स, एक्स वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर हम दूसरा रीजन देखें, जैसे हमने उस तरफ देखा मालवा रीजन, मालवा रीजन में कोई वैरायटी बी है, वी वैरायटी का प्रोडक्शन जो एक्स वैरायटी का प्रोडक्शन से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, कम और ज़्यादा मतलब ये देखेगा, यदि ज़्यादा है तो हमारी वैरायटी में उत्कृष्टता कम है, कम है तो हमारी वैरायटी में उत्कृष्टता अच्छी है, दो बातें यहाँ जहाँ देखने को मिलती है, लेकिन दोनों बातों में क्या इम्प्रूवमेंट, एक टर्मिनोलॉजी जो आती है इम्प्रूवमेंट की, उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो हम बेसिकली अगर देखेंगे तो हमें करना है सबसे पहले मास सिलेक्शन में इम्प्रूवमेंट की बात। इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने एक सिस्टमेटिक वे में फ्लो चार्ट के बारे में माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो पहले पहले क्या होता है, मास सिलेक्शन बेसिकली देखा जाता है तो केवल 6 वर्षों में पूर्ण किया जा सकता है, जिसके लिए क्या किया जाता है कि मास सिलेक्शन में सबसे पहले क्या लिखा है, ये 200 से 2000 पौधे, या एक अपने हिसाब से डायमीटर में देख लेते हैं, 200 से 500 पौधे, 1000 पौधों का कभी हम चयन करते हैं। किस बेस पे? फिनोटिपिक बेस पे। उसमें वेरिएबिलिटी का अध्ययन करना चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। वेरिएबिलिटी मतलब कैसे, एक खेत लेंगे या एक एरिया लेंगे, एरिया मान के चलो ये वाला जो एरिया आपने देख रहे हैं, इस एरिया में हमने लगभग 200 से 1000 पौधे हमने लगा रखे हैं, 1000 पौधे लगाए। अब 1000 जो पौधे लगाए वो कैसे हैं, यूनिफॉर्मिटी देखने को चाहिए उन पौधों में। यूनिफॉर्मिटी मान के चलो जैसे ये यूनिफॉर्मिटी हमारी दिखाई दे रही है, क्लियरेंस आप देखने को मिलेंगे, यूनिफॉर्मिटी आपने दिखाई दी। यूनिफॉर्मिटी देखने के साथ साथ जैसे आया कि एक समान पौधों का सिलेक्शन करते हैं, तो एक समान पौधों का सिलेक्शन मतलब यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी आ गई, अब उसके जो बीज होंगे, क्योंकि जैसे कोई भी हमने मान के चलो यहाँ से जैसे ये पौधा इसका हमने सिलेक्शन किया, इसमें ये लगभग लगभग इतने पौधों का हमने सिलेक्शन कर लिया, ये हमारे हो गए सिलेक्टेड प्लांट, ये हमारे सिलेक्टेड प्लांट्स हो गए। अब जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनको हार्वेस्ट भी करना है, उनको हार्वेस्ट करेंगे उन पौधों को, बाकी प्लांट्स को हार्वेस्ट करेंगे लेकिन उनका सीड्स हमें नहीं चाहिए। जो सिलेक्टेड प्लांट है उनको हमने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद उनके जो सीड लिया, उनके सीड्स को क्या किया, बल्क में इकट्ठा कर लिया और मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम उनमें क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद जो मिक्स सीड होता है उनको हम नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर था, ये हमने लिख दिया यहाँ से सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है, प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमरली प्रीलिमिनरली ईल्ड ट्रायल। प्रीलिमिनरली ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करने के लिए जो भी मिश्रित बीज था या जो कंपोजिट सीड था उसको हमने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद उसको किसी तरीके से, जैसे एक कंपैरिजन किया हमने मान के चलो बुंदेलखंड रीजन के एक छोटे से एरिया में हमने उसको ग्रो किया, लेकिन ग्रो करने के लिए जैसे कोई एक वैरायटी, हम अभी लास्ट टाइम बताए कि एक कोई वैरायटी मान के चलो हमारी ए वैरायटी थी, वो हमारी कौन सी थी, यहाँ हमने उसको लगाया था, इट्स अ टाइप ऑफ देसी वैरायटी, इट्स अ टाइप ऑफ देसी वैरायटी, ये देसी वैरायटी जो हमने ए वैरायटी मान के यहाँ लगाई हुई थी, लेकिन उसको भी हमने यहाँ लगाया, ये चार जो ब्लॉक थे हमने इनमें लगाए, लेकिन इनके ब्लॉक को कंपेरिजन करने मतलब इनके हिसाब से इनको ये देखना चाहिए कि क्या ये उत्कृष्टता दिखाई रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ उत्कृष्टता नहीं दिखा रहे तो वो यहीं के ही हम उस वैरायटी को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी हमने एक कॉलम बनाई यहाँ पे और यहाँ हमने चेक वैरायटी लगा दी छोटी छोटी सी, ये जैसे मान लो ये पौधे लगे हैं पूरे, ये पौधे हैं, ये हैं इधर, तो ऐसे ऐसे पौधे यूज किए जा रहे हैं पूरे, और यहाँ हमारा चेक वैरायटी लगाई हुई है, ये पूरी चेक वैरायटी भी लगी हुई है। अब चेक वैरायटी के बेस पे हमने यहाँ पे उनको कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करने के बाद हमने उनको देखा तो यदि उसका एक एवरेज प्रोडक्शन देखा गया कि मान के चलो 1 हेक्टेयर में उसका 40 से 45 कुंटल का एवरेज प्रोडक्शन है, जो कि हमारी ये वाली वैरायटी थी जो है एक्स वैरायटी,
और जो हमने चेक वैरायटी यूज की थी उस वैरायटी का अगर हमने देखा कि उसका लगभग लगभग भी यही आ रहा है 43 से 45, तो हम इसको आगे स्टेप में पहुंचा देते हैं क्योंकि ये लगभग समकक्ष है, इसके समकक्ष है और ये वैरायटी हमारी अगले स्टेप में जाने के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट आएगा 3rd to 5th ईयर, अब 3 साल का कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल लगाते हैं या कोऑर्डिनेटेड विथ चेक वैरायटी के माध्यम से जो लोकल वैरायटी या जो देसी वैरायटी थी उसका एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ पर 3 अलग अलग राज्यों में या अलग अलग एरिया में हमने उसको ग्रो किया। ग्रो करने के लिए जैसे ये मान के चलो एक वैरायटी को हमने पहले साल लगाया कहाँ, ये हमारा MP राज्य है, जैसे हमने इसको UP पहुँचा दिया। दूसरी वैरायटी को हमने मान के चलो गुजरात पहुँचा दिया। तीसरी वैरायटी को हमने महाराष्ट्र पहुँचा दिया। तो ये लगाया मतलब ये प्रथम वर्ष यहाँ, दूसरे वर्ष यहाँ और तीसरे वर्ष यहाँ हमने इन वैरायटियों को लगाया, और लगाने के साथ साथ क्या किया, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल के माध्यम से इसको लगाया, जिसमें क्या होता बेसिकली हम चेक वैरायटी के माध्यम से इनका उस उन राज्यों में इनका वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद यदि हमारा देखा गया कि अच्छी उत्कृष्टता दिखाई दे रही तो उसको हम क्या करते हैं, एक वैरायटी के रूप में रिलीज कर देंगे। यदि उत्कृष्टता नहीं दिखा रही तो वो इसी स्टेप से भी हमारी सिलेक्शन मेथड ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब उस वैरायटी के लिए सिलेक्शन मेथड यूज नहीं होगा। तो उसी बेस में यदि हम देखेंगे बेसिकली देखा कि जैसे यूपी में उसने अपना परफॉर्मेंस नहीं अच्छा दिया, लेकिन गुजरात में उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया और महाराष्ट्र में उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया, या गुजरात में उसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया लेकिन यूपी में उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, या किसी दो राज्यों में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन किसी एक राज्य में उसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, जो चेक वैरायटी के कंपैरिजन में देखा गया था उसके कंपैरिजन में उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, लेकिन जहां जहां दिया उसको हमने एज ए वैरायटी रिलीज कर दिया, एज ए वैरायटी वहां हमने उसको रिलीज कर दिया। जैसे यहां पे अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया तो यहां रिलीज कर दिया, यहाँ उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो यहाँ हमने उस वैरायटी को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के साथ साथ क्या किया, नेक्स्ट ईयर अब चूंकि जो वैरायटी आई तो वैरायटी का कुछ नाम भी देना पड़ेगा कि लोकल वैरायटी है देसी वैरायटी। अब ये वैरायटी लोकल वैरायटी ना कहलाएगी ना ही देसी वैरायटी कहलाएगी, अब ये मास सिलेक्टेड वैरायटी कहलाएगी। तो जो मास सिलेक्टेड वैरायटी है उसका कुछ नाम देना होगा, और नाम देने के लिए उसको क्या करते हैं कि हम किसी सीड इंस्टीट्यूट में हमने जिस जगह इसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिस वैरायटी को, उस वैरायटी उस इंस्टीट्यूट में हमने उसको पहुंचाएंगे। उसके बाद उसकी सीट का जो कि मिनिमम अमाउंट में हमारे पास सीड होता है तो नेक्स्ट ईयर उस सीट का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करने, क्योंकि किसानों को सीड देना पड़ता है क्योंकि नई सीड नई वैरायटी आएगी तो उसका किसानों को भी हमें नई नई वैरायटी का सीड प्रोवाइड कराना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 6th ईयर में हमने उसको लार्ज अमाउंट में हमने उसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ट्रायल लगाते हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स हो सकता है उस सीड्स को हम कलेक्ट करके किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि अब यहाँ हमारी एक वैरायटी रिलीज हो चुकी। तो सीधा सीधा सिंपल वे में यदि हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल, या जो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के माध्यम से हमने एक वैरायटी सिस्टमेटिक वे में रिलीज की, मास सिलेक्शन का पूर्णता देखा और इस बेस पे हमने एक वैरायटी रिलीज की, वैरायटी के बाद रिलीज होने के बाद हमने किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो ये एक सिस्टमेटिक मेथड था जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज होता है, लेकिन बेसिकली अगर हम इसको देखा जाए तो ये मोस्टली क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में भी यूज होता है। सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ में 95% तक सेल्फिंग होगी और 5% क्रॉसिंग क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप में क्या होता है कि 95% तक क्रॉस पॉलिनेशन होगा, 5% तक उसमें सेल्फिंग भी हो जाती है। तो अगली बात करेंगे, अब आएगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्या इसके गुण हैं क्या इसके अवगुण हैं, मास सिलेक्शन के क्या गुण हैं और मास सिलेक्शन के क्या अवगुण हैं। मास सिलेक्शन मतलब देखा जाए कि वैरायटी डेवलप करेंगे तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कंसिस्टेंसी, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो कि वैरायटी को हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते। तो ये इसके गुण हैं कि जो अगर हम लोकल देसी वैरायटी को हम लगाएंगे, हमने उस वैरायटी को मास सिलेक्शन के माध्यम से रिलीज किया तो उसमें क्या होना चाहिए कि वाइडर एडेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें जो भी होना चाहिए, जो भी यील्ड ट्रायल लगाएं उसमें क्या होना चाहिए कि वेरिएशन नहीं दिखाई देना चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देनी चाहिए। तीसरा, मास सिलेक्शन को जो कहते हैं वो कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी उतनी ही होना चाहिए जितना कि एनवायरमेंटल में अगर G into E इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो
तो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो इस इंटरेक्शन के माध्यम से इस वैरायटी में किसी प्रकार का कोई भी एडेप्टेशन का इफेक्ट नहीं हो। सेकंड और लास्ट क्या है, इसमें डिमांडिंग मेथड का बहुत कम उपयोग होता है, इसलिए इसके ये चार तो इसके ये मेरिट्स थे। इसके बाद इसमें क्या क्या कमियाँ हैं या डीमेरिट्स की बात करेंगे, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं। तो मास सिलेक्शन में क्या क्या कमियाँ हैं, ये हाईली यूनिफॉर्म होती है, तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके का दिखाई देता है। तो जो पौधे, जैसे कोई पौधा है वो टॉल है तो वो क्लियरली विजुअल हो जाएगा, तो वो विजुअलिटी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। सेकंड क्या है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए थ्रू मास सिलेक्शन, जो कि जनरली प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। तीसरा क्या है, प्रोजनी कैसी होनी चाहिए, तो एब्सेंस होगी अगर प्रोजनी तो उसमें क्या होगा कि प्लांट्स में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगसिटी भी हम एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन हेट्रोजाइगसिटी और होमोजाइगसिटी कब आएगी, जब एक सी चूँकि जीन है, जीनोटाइप है, जीनोटाइप के अंदर क्या है, जीनोम है, जीनोम क्या है, जीन का पार्ट है, जीन के अंदर क्या है, एलील है, एलील कैसे होंगे, यदि कोई एलील की बात करेंगे तो उसमें कैसे आएगा, जैसे कोई भी एक पार्ट ले लेंगे हम एलील, इसकी बात करेंगे कि होमोजाइगस में क्या होगा, एक एलील आया मान के चलो टी और ये टी, तो ये कौन सा आ गया, होमोजाइगस। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा तो एक दूसरा स्मॉल टी होगा। जैसे मेंडल ने एक नियम दिया था अपना स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, उसमें देखा गया था कि दो प्रकार के एलील्स का प्रयोग किया गया था या दो प्रकार के जीनोटाइप्स का यूज किया गया था, जो हेट्रोजाइगोसिटी को बड़ी ही स्वतंत्रता रूप से दिखाई देता है। और इसके कारण अगर हम देखेंगे तो इसका जो सिलेक्शन मेथड था, इसलिए उस मेंडल्स के सेकंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं बोला गया था, क्योंकि वो होमोजाइगस कम हेट्रोजाइगोसिटी में ज़्यादा प्रयोग में लाया गया था। सो मास सिलेक्शन इट सिंपलेस्ट मेथड है जो कि सेल्फ ब्रीडिंग के सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स में यूज किया जाता है, लेकिन इसके अच्छा और सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे कम अवधि वाला ये सिलेक्शन मेथड होता है। अब अगली बात करेंगे हम, हाँ एक चीज और भी अभी इसमें रह गया कि ये सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में इसको हम अगर मास सिलेक्शन की तरफ से कोई वैरायटी डेवलप करती हैं तो बड़ा ही डिफिकल्ट वे में इसको एनालाइज किया जाता है। ये इसका सबसे मतलब डेंजरस वे में, या इसको हम एक तरीके से ये देखेंगे कि क्या ये इसका ये बहुत ही लेस पॉइंट्स है या इसका डीमेरिट्स है, और इस मेथड को अगर यूटिलाइज करेंगे तो वेरिएबिलिटी पर्सन टू पर्सन और पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन पहुंचेगी, जो कि वेरिएशन क्रिएट किसी नई वैरायटी में नहीं होना चाहिए। यदि क्या रहता है कि जैसे कोई भी वैरायटी का कोई गया किसी खेत में लगाया बाल, उसके अगल बगल कोई और वैरायटी को लगाया गया है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी को कल्टिवेट करने के लिए जब हार्वेस्टिंग होते तो हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, बड़े ही सावधानी वे में करना चाहिए। इस ही वे में अगर हम देखेंगे तो मास सिलेक्शन को हम इसलिए इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं और मेरिट्स होते हैं जिनका विशेष ध्यान रख के हमें इसके वर्क करना चाहिए। नाउ इज द प्योर लाइन सिलेक्शन, अब आएगी बात प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, जो कि न्यूक्लियर सीड का प्योरीफिकेशन करने के लिए होता है, जो कि न्यूक्लियर सीड का प्योरीफिकेशन होगा, लेकिन न्यूक्लियर सीड का प्योरीफिकेशन कैसे होगा, थ्रू मास सिलेक्शन मेथड के होता है। तो न्यूक्लियर सीड्स क्या है, सीड्स का जो प्रारंभिक तरीका होता है ये मास सिलेक्शन से एक वर्ष कहीं अतिरिक्त होता है। मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में केवल एक यही मुख्य अंतर है कि जो कि वह 6 वर्ष में होता है और ये 7 वर्षों में पूर्ण किया जाता है। मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज होता है। ये इसमें क्या होता है, इसको हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन बोलते हैं, उसको भी हम उसमें इंडिविजुअली प्लांट सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें क्या होता है बल्क में हार्वेस्टिंग होती है, तो उसके जो सीड्स को होते हैं वो हम क्या करते हैं कंपोजिट करते हैं। तो ये जो बिग डिफरेंस है इसके आधार पर ये कहीं ना कहीं एक वर्ष में पूर्ण किए जाते हैं। इस मेथड में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं, मास सिलेक्शन में भी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का सिलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल वे में, जैसे कि प्लांट हाइट, नंबर ऑफ टिलर्स है और यील्ड का है, उसके स्पाइक के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोजनी होंगी उसमें क्या किया गया था कि उसमें बल्क में किया गया था, इसमें सेपरेटली स्टडी की जाती है, इसलिए इसमें थोड़े से मास सिलेक्शन से थोड़े मोड़े अंतर भी देखने को मिलते हैं। और ये भी क्या है कि लोकल और देसी वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करने का कार्य किया जाता है इस वैरायटी में भी। करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो अभी आपके बताए कि प्योर लाइन में कैसा होना चाहिए, सिमिलरिटीज होना चाहिए, वैरायटी कैसे होना चाहिए, मतलब कि ड्यू टू द एनवायरमेंटल और नॉन हेरिटेबल भी होना चाहिए। वंशांकरण की अगर बात करेंगे तो इसमें जेनेटिकली वे में अच्छा देखने को मिलता है समय टू समय, समय से समय की दर में अगर देखें तो प्योर लाइन इज द बेस्ट मेथड फॉर जेनेटिकली वेरिएबल विद शॉर्ट टर्म टाइम्स। अब प्योर लाइन को हम कैसे कैसे और किन किन तरीकों से हम यूज कर सकते हैं, तो यूज करने के लिए हम इसको एज ए वैरायटी यूज कर लेंगे,
एज ए वैरायटी भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसको एज ए वैरायटी यूज कर लेंगे, इसको हम एज ए पेरेंट्स यूज कर लेंगे। पेरेंट्स का यूज करने का तरीका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में कर सकते हैं, और हम इसका जो म्यूटेशन में भी कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी में भी कर सकते हैं। म्यूटेशन में हम करते हैं इसको कि अर्ली वैरायटी मैच्योरिटी के लिए करते हैं, और इसको हम साइंटिफिक वे में भी, सबसे लास्ट क्या है, साइंटिफिक वे में भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक और फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से हम प्योर लाइन सिलेक्शन को आपके सामने रखेंगे, क्या क्या होता है प्योर लाइन में और किस किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मास सिलेक्शन में देखा था, कोई एक वैरायटी ली, वो जो कि कैसी होगी, लोकल होगी, देसी वैरायटी होगी। सेम प्रोसीजर हमने लगाया कि एक देसी और पुरानी या ओल्ड वैरायटी को हमने किसी भी एक बड़े एरिया में हमने उसको ग्रो किया, जिसमें हमने 200 से 2000 पौधे, या हमारा जो नंबर है वो चेंजिंग डिफर करता रहेगा एक दूसरे प्रोग्राम्स में। कई कई किताबों में 200 से 2000 मिलेगा, कई जगह 200 से 1000 भी मिलेगा, लेकिन हम जो जिस बारे में अध्ययन, मतलब एक चीज़ ये है कि लगभग जो अनुमानित संख्या है वो 200 से 2000 ही प्लांट्स, क्योंकि लार्ज अमाउंट में, जो जैसा भी बोला जाता है कि लार्ज अमाउंट में पौधों का सिलेक्शन करना है, तो इसलिए हमने लार्ज अमाउंट में पौधों का सिलेक्शन करने के लिए 200 से 2000 पौधों का सिलेक्शन किया। अब 200 से 2000 जो पौधे सिलेक्ट करेंगे वो कैसे होंगे, हाईली स्टेबल होंगे, और उत्कृष्टता मतलब बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक प्लांट्स का सिलेक्शन होगा। जो स्पेसिफिक प्लांट का सिलेक्ट होगा उनका बीज कैसे लेना है, जैसे ये देखिए यहाँ से एक वेराइटी आई, तो हमने ये यहाँ हमने ये लगा दिया, ये ऐसे ऐसे हमने पूरे पूरे एक लाइन से हमने यहाँ पे ये हमने लगा दिया, ये लिया इधर और ये लिया, ऐसे करते हुए हमने ये अलग अलग लाइनों को हमने दिखाने के लिए जस्ट एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। ये लिया, अब हमने इनको जो सीड को हमने देखा तो यूनिफॉर्मिटी वे में हमने क्या किया था, इनको सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गए प्लांट्स। सेलेक्ट करने के बाद इनके जो सीड्स आएंगे, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग की बात आएगी, क्योंकि हार्वेस्ट इसलिए करना है क्योंकि हमें सीड्स चाहिए, तो इनके हमने जो स्पाइक कलेक्ट किया था, प्लांट्स को कलेक्ट किया, उनके सीड को क्या करना, अलग अलग वे में हमने उनको सीड को कलेक्ट कर लेना है। ये हमारे जो थे ये हमने सीड्स को कलेक्ट कर लिया, एक थैले में इसको, एक पैकेट में इसको, एक पैकेट में इसको, एक पैकेट में इसको, एक पैकेट में इसको, लगभग हमारे पास 200 पैकेट्स के आसपास मिलेंगे, जो कि मिनिमम अमाउंट हमने अगर कैनालाइज किया तो वो हमारे पास लगभग 200 से 2000 पौधे होने चाहिए, 200-2000 थैले होने चाहिए। अब जो हमने सीड सेपरेटली हार्वेस्ट किया था, उन सीड्स के हमें अगले वर्ष क्या करना है, इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी लगानी है। ये इसलिए लगाई जाती है इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी, क्योंकि गैपिंग के माध्यम से लगाएंगे, जो गैप एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में देखा जाता है तो वो 22.5 सेंटीमीटर का होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जो गैप देखा जाता है, उस गैप के माध्यम से हमने उनको पौधों को लगाना, इसलिए गैप में लगाया जाता है क्योंकि पर्याप्त न्यूट्रेंट हो सके, सनलाइट पर्याप्त मिले, जो वाटर एफिशिएंसी है वो प्लांट्स में एडेप्टेबल हो, और जो जो न्यूट्रेंट एडेप्टेबिलिटी है, मतलब प्लांट्स को एक स्वस्थ और उत्कृष्ट एग्जीबिशन के लिए हम उस पौधों का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमने ये लगा दिया इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी, इसमें हमने लिखा था कि जो सिलेक्टेड प्लांट्स थे उनके सीड्स को एकल पादप संतति के माध्यम से हमने उनको ग्रो किया। ग्रो करने के बाद जो रिजेक्टेड थे, कौन से, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उनको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट भी हमने उनको कर दिया, यहीं से रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड ईयर क्या किया, अब इनको सेपरेटली हार्वेस्ट कर लिया, सेपरेटली हमने इनको हार्वेस्ट कर लिया, और हार्वेस्ट करने के बाद जो सीड्स था उसको हमने प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल, क्योंकि यहाँ से थर्ड ईयर से लेके और पूरा ये कॉपी करेगा मास सिलेक्शन, केवल एक जो अंतर देखने को मिलता है वो मिलता है प्योर लैंड में, ये अभी हम मास सिलेक्शन में क्या किया था, यहाँ के जो सीड को कलेक्ट किया था उनको बल्क में ग्रो किया, और नेक्स्ट ईयर सीधा हमने प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल कंडक्ट किया विथ चेक वेराइटी, और चेक वेराइटी के बाद उसमें हमने देखा कि जो वेराइटी चेक में वेराइटी कंपेरिजन में यदि एग्जीबिशन दे रही है तो हम उसको कोऑर्डिनेट ईल्ड ट्रायल के लिए पहुँचा देंगे, अदरवाइज वहीं से रिजेक्ट कर देंगे। तो लेकिन इसमें प्योर लैंड में क्या किया, सीड्स को कलेक्ट किया, वैरायटी देखी, 200 से 2000 पौधे सिलेक्ट कर लिए, उन पौधों को हमने उनके सीड्स को सेपरेटली हार्वेस्ट किया, और सेपरेटली हार्वेस्ट करने के बाद उन पौधों के बीज को हमने इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी के माध्यम से ग्रो भी किया। ग्रो करने के बाद हार्वेस्ट सेपरेटली कर लिया, नेक्स्ट क्या किया, उनको प्रारंभिक उपज परीक्षण, जिसको प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल भी बोलते हैं, इनके माध्यम से हमने लगाया, इसमें हमने चेक वैरायटी के रूप में इनको कलेक्ट किया, चेक वैरायटी लगाई, एग्जीबिशन देखा,
उत्कृष्ट अगर परिणाम सामने आ रहे हैं तो हमने उसको कोऑर्डिनेटेड ईल ट्रायल के लिए भी हमने पहुंचा दिया। सेम कंडीशन ये थी कि इनको यूपी एमपी और बिहार में यदि हमने लगा दिया जहां इनका एग्जीबिशन अच्छा था और उनको वहीं एज ए वेराइटी रिलीज कर दिया, जहां एग्जीबिशन अच्छा नहीं था उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद देखा उसमें किस किस की किस बेस पे हमने इसको सेलेक्ट किया और किस बेस पे रिजेक्ट किया, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स थे जैसे उसका ब्रीडिंग क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, डिजीज़ रेसिस्टेंसी अच्छी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट क्या है, बेटर इम्प्रूवमेंट है, एग्जीबिशन है या नहीं है, तो सो देर आर सो मैनी पैरामीटर्स विच आर इंक्लूडिंग इन फॉर इम्प्रूविंग अ न्यू वेराइटी और ग्रो अप न्यू इन लार्ज अमाउंट एरियाज। इसको हम देखेंगे तो सर्विस जैसे उसमें एक लाइन ये लिखी कि रोग रोधिता होना चाहिए, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट या क्वालिटी टेस्टिंग अच्छी होना चाहिए, एंड अगर है तो सर्वोत्कृष्ट संतति नई किस्म के रूप में विमोचित करते हैं। मतलब यहाँ हमने एक नई वेराइटी रिलीज कर दी सिक्स ईयर आफ्टर सिक्स ईयर, मतलब 6 साल बाद हमने वेराइटी रिलीज कर दी। वेराइटी रिलीज करने के बाद वही जैसा मास सिलेक्शन में किया था वैसे ही प्योर लाइन सिलेक्शन में करेंगे, उसको किसी एक इंस्टीट्यूट या किसी एक सीड रिलीज एरिया में हमने उसको रजिस्टर्ड कराना ताकि वहाँ से हमारा वेराइटी का नाम मिले, और जब सीड का मिलेगा तो सीड कैसा होगा, छोटे या कम अमाउंट में होगा, तो उसको हम किसानों तक पहुँचाने के लिए लार्ज अमाउंट लार्ज एरिया में हम उसको ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के लिए उसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको हम किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट था जिसके माध्यम से हमने प्योर लाइन सिलेक्शन को भी समझा दिया। अब आएगा एडवांटेज, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या मतलब मैक्सिमल अगर देखा जाए तो ये इम्प्रूवमेंट करने की ओरिजिनल वैरायटी को इम्प्रूव करने का कार्य करती है। प्योर लाइन सिलेक्शन कैसा है को हम देखा जाए तो वैरायटी डेवलप करेंगे, यूनिफॉर्मिटी आएगी जो फार्मर के लिए कंज्यूमेशन होगा, और अच्छा या एक तरीके होगा कि आइडेंटिफिकेशन होगा जो कि ईजिली वे में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिसएडवांटेज, प्योर लाइन सिलेक्शन कैसा होगा, वाइड एडेप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी उसमें देखने को नहीं मिलेगी, मास सिलेक्शन में देखने को मिलती थी लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ये कैसा है, ये ज़्यादा टाइम लेगी मास सिलेक्शन से, मास सिलेक्शन 6 वर्षों में पूर्ण होता है, ये 7 वर्षों में, तो जब ज़्यादा टाइम लेगी तो लेबर ज़्यादा लगेगी, स्पेस ज़्यादा होगा, और अगर इसका हम रिसोर्स देखते हैं मास सिलेक्शन तो इस मास सिलेक्शन से 1 वर्ष ज़्यादा ही लेती है। इसके बाद इसमें जो हर चीज़ इम्प्रूवमेंट का टाइम होगा, नीचे ऊपर देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे भी देखा कि जेनेटिक वेरिएशन भी होगा, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी उससे जो नई वैरायटी रिलीज होगी उसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो मतलब ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब नेक्स्ट और थर्ड मेथड, पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड क्या है, क्या है पेडिग्री और क्या है उसका मेथड। पेडिग्री मेथड मतलब किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, जैसे हम बात करेंगे पेडिग्री की, तो पेडिग्री मेथड में क्या है कि पेडिग्री मेथड एक क्या है, रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में बोल देते हैं रिकॉर्ड। पेडिग्री मेथड एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि किसी वैरायटी को हमने एज ए पेरेंट्स यूज किया, उसका हमने F1 निकाला, उससे हमने उसकी सेल्फिंग कराई, उससे F2 निकाला, उसको हमने F3 निकाला, और ये कंटिन्यू में चला, F4 आया, देन F5 आया। अच्छा, F1 क्या है, पेरेंट्स क्या थे और उनका रिकॉर्ड कैसे देखा जाएगा। रिकॉर्ड रखने के लिए F1 मतलब ये क्या है, F क्या है, फिलिल। F1 मतलब फर्स्ट, और इसकी क्या होगी, जनरेशन। तो ये फर्स्ट फिलिल जनरेशन हो गई, सेकंड फिलिल जनरेशन, थर्ड फिलिल जनरेशन, फोर्थ, ऐसे कंटिन्यूस में देखने को मिलेगा। ये ड्यू टू द इसकी अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो ये एक माध्यम है इसका क्या, सेल्फिंग, ताकि होमोजाइगोसिटी देखने को मिले, ना कि हेट्रोजाइगोसिटी आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हेट्रोजाइगोसिटी भी बहुत देखने को मिलती है पेडिग्री में। इसलिए हेट्रोजाइगोसिटी देखने को मिलती है क्योंकि इसके पेरेंट्स क्या होते हैं, टू पेरेंट्स देखने को मिलते हैं। हम फ्लो चार्ट में बताएंगे आपको कि कितना और सिंपलेस्ट मेथड देखने को मिलता है, जैसा कि इसमें लिखा है कि इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम F2 एंड सबसिक्वेंट जनरेशन एंड देयर प्रोजनीज आर टेस्टेड। इन दिस मेथड द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग रिकॉर्ड दैट इज द नोन एज पेडिग्री रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड था, पेरेंट्स कौन थे, इसके बाद ये एज ए F1 यूज हुआ, नेक्स्ट ईयर उसके हमने जब सेल्फिंग कराई तो इसका क्या रिकॉर्ड था, ये जो पूरा आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना था, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पेडिग्री कहलाता है। नेक्स्ट, पेडिग्री रिकॉर्ड एक आइडिया देता है किसका, पेरेंट्स का, और पेरेंट्स के बाद उसकी नेक्स्ट पेरेंट्स का। ये क्या है, एक प्रकार का जो पेडिग्री रिकॉर्ड करने का सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट की है, केवल एक ऐसी ही प्रोजनीज होती है जिसको हम एक रिकॉर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड कैसा होता है, एक्यूरेट होता है, कहीं किसी प्रकार की कोई संदेह ना या कहीं इसमें कोई करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इसका रिकॉर्ड अगर हम वैसे भी देखेंगे तो एक हम तरीका अपनाते हैं क्या, कि एक जैसे हमने लिखा
9311 ग्यारहवीं नंबर की वैरायटी थी जो कि 1993 में रिलीज हुई। ये एक रिकॉर्ड है 1993 में किसकी पर्टिकुलर, जो भी क्रॉप अगर का हम लिख देंगे तो जैसे मान के चला हमने वीट की एक वैरायटी ली थी तो वीट का 11 नंबर का टैग होगा जो कि हमने 11 नंबर उस ईयर का 11 किस ईयर का 1993 का रिकॉर्ड रखा। ये एक रिकॉर्ड होता है जिसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा माध्यम बताया गया है पेडिग्री मेथड। अब एक फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम पेडिग्री मेथड को भी समझेंगे। पेडिग्री मेथड है क्या बेसिकली अगर देखा जाए पेडिग्री मेथड में तो ये दो जनक हैं, पहला P1 दूसरा P2, ये दो हमारे क्या हैं पेरेंट्स एज ए पेरेंट सीट्स के, मतलब एक ए वैरायटी ये थी और ये बी वैरायटी थी, दोनों में हेट्रोजाइगोसिटी बनना तय है, ये दोनों हेट्रोजाइगस भी होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस ही होंगे क्योंकि इसका अलग उत्पादन होगा इसका अलग उत्पादन होगा। अब इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो क्या होगा F1, जैसा अभी हमने बात की थी कि F1 आ गया, ये सेकंड ईयर है, ये तो फर्स्ट ईयर था ये सेकंड ईयर है। F1 में क्या किया, पौधों को जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगी वो प्रॉपर होगी और प्रॉपर करने के बाद जो सीड्स होंगे उनको हम कैसे करेंगे बल्क में, मतलब जो कलेक्शन होगा हार्वेस्टिंग होगी और उनका जो सीड का कलेक्शन होगा वो कैसा होगा बल्क में होगा। अब F2 आ गया, नेक्स्ट स्टेप F2 आएगा, F2 से F6 तक कंटिन्यूसली हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, क्या उसको एक बिजनेस पर्पज पे फसल के लगाने के लिए माध्यम से हम क्या करते हैं उचित दूरी पे पौधों को लगाएंगे, लगाने के बाद उनके बीज को कैसे कलेक्ट करना है बल्क में कलेक्ट करना और कंटिन्यूसली अगले साल तक इसको बोते रहना है। जब इसलिए ये प्रोसीजर अपनाते हैं क्योंकि हमारे पास जो P1 और P2 का जो F1 आएगा वो होगा 10 से 15 ही सीड हमारे पास अवेलेबल होगा या बहुत ही मिनिमम अमाउंट में सीड्स अवेलेबल होगा, जो मिनिमम अमाउंट में सीड अवेलेबल होगा उस सीड्स की कमी को या उस सीड्स को लार्ज अमाउंट में करने के लिए जो यूज किया जाता है वो इसके लिए F1 से लेके F6 तक चलते हैं और ये सबसे अच्छा क्या है ये सेल्फिंग बोलते हैं इसको, इसको लगाते हैं सेल्फिंग के माध्यम से ग्रो करते हैं। यही प्रोसीजर लगाया, पौधों को उचित दूरी पर लगाया और सारे पौधों का बीज को कैसा किया कलेक्ट कर लिया कैसा बल्क में। नेक्स्ट क्या है आठवें साल पहुंच गए हम सीधा, जैसे अभी ये सेकंड ईयर था थर्ड ईयर से सेवंथ ईयर तक ही हुआ, आठवें साल तक ये सबसे लॉन्गेस्ट मेथड है 14 वर्ष में पूर्ण होता है। आठवें साल पहुंच गए जहां F7 आए, F7 में क्या किया अब हमारे पास पर्याप्त पौधों का पर्याप्त सीड है, लगभग 30 से 35 हज़ार पौधे हमारे पास आ गए जो उचित दूरी पर हमने लगाए, उचित दूरी पर लगाने के बाद हमने जो उसमें से क्या किया उत्कृष्टता जो अच्छी हाई इफिशियंसी सीड्स थे या हाई इफिशियंसी प्लांट्स थे उनका हमने क्या किया सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्टेड प्लांट्स का हमने उसमें से ये देखा कि 500 से लेके 5000 पौधों का क्या किया सिलेक्ट किया, किस बेस पे क्वालिटी टेस्ट, डिजीज रेसिस्टेंसी और फिनो, इन सबको अगर एक नाम लेने तो क्या है फिनोटिपिकली बेस में या फिनोटिपिक के वे में एक सबसे बेस्ट सिलेक्शन मेथड देगा फिनोटाइप, फिनोटाइपिकली आधार पे हमने इनका पौधों का सिलेक्शन किया, कितने 500 से लेके 5000 पौधों का सिलेक्शन कर लिया। अब 500 से लेके 5000 पौधे सिलेक्ट हो गए, अब उनको क्या करना है कि उन पौधों की जो सीड्स होंगे उनको क्या करेंगे हम सेपरेटली हार्वेस्ट करेंगे, कैसे सेपरेटली अलग अलग हार्वेस्ट कर लिया, एक एक पौधे का सीड कर लिया जो 500 से 5000 पौधे थे उनका हमने लगा दिया इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी, अगले वर्ष क्या लगा दिए इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी लगा दी। इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी लगाने के लिए ये होता उचित दूरी पर हमने पौधों को लगाया, उत्कृष्ट संतियों का सिलेक्शन किया, केवल 100 से लेकर 300 समरूप संतितियों का बीजों को अलग अलग किया बाकी को रिजेक्ट कर दिया और उनके सीड्स को क्या किया हमने बल्क में हार्वेस्ट कर लिया, कैसा कर लिया बल्क में हार्वेस्ट कर लिया। बल्क में हार्वेस्ट करने का एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका, केवल यहाँ सेपरेट हार्वेस्ट होगा इसलिए क्योंकि यहाँ हमें इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी लगानी है, लगाने के बाद उनके सीड्स को कैसा करना है बल्क में हार्वेस्ट करना है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ लगाएंगे प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल विथ चेक वेराइटी, प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल लगाने के लिए हम एक चेक वैरायटी भी यूज करते हैं, चेक वैरायटी इट्स अ जो लोकल वैरायटी होगी उसको यूज करेंगे। चेक वैरायटी को लगाया दसवें वर्ष में या टेंथ ईयर में जो कि F9 कहलाएगा, इनको हमने प्रीलिमरली ईल्ड ट्रायल लगाया यहाँ और इनके साथ हमने चेक वैरायटी भी हमने यहाँ बगल में लगा दी, ये चेक वैरायटी कल लग गया। अब यहाँ हमने टेस्ट किया
क्या ये इसका कंपैरिजन देखने को, इसमें जो उत्कृष्टता है वो चेक वैरायटी के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है? यदि कम है तो यही रिजेक्ट है, यदि ज़्यादा है तो उत्कृष्टता शो हो रही है और कंपैरिजन में देखा कि सिमिलरिटीज आ रही है, तो भी हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए पहुँच कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देंगे। सेम प्रोसीजर आ गया, कोऑर्डिनेटेड इल ट्रायल हमने लगाया, तीन अलग अलग चार स्टेटों में, अलग तीन अलग अलग साल में तीन अलग अलग स्टेट में हमने पहुँचा दिया। वहाँ हमने देखा कि क्या इसका स्टेटस है, कितने परसेंट इसमें है, उसका भी लोकल, वहाँ की जो लोकल वैरायटी है चेक वैरायटी के रूप में यूज करेंगे, उस वैरायटी से हम सीधा सीधा सबसे पहले चीज़ क्वालिटी, डिसीज असिस्टेंसी और ईल्ड की एबिलिटी चेक करेंगे। तो इन आधार पे हमने इनको कोऑर्डिनेटेड ईल्ड ट्रायल लगाया। ईल्ड ट्रायल लगाने के बाद हमने इनका चेक करने के बाद इसको देखा, तो इसको सेम प्रोसीजर जो कि मास सिलेक्शन में जो किया था, जो ही प्योरलाइन सिलेक्शन में किया था, हमने उसको एक इंस्टीट्यूट या किसी रजिस्टर्ड कंपनी में हमने उसको पहुंचाया जहां हमारा वैरायटी रजिस्टर्ड हो सकती है। एंड उसके बाद हमने उसके सीड के मल्टीप्लिकेशन, जो नेक्स्ट ईयर होगा 14 ईयर में देखेंगे, तो हमने उसका बीज का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसानों तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। ये हमने यहाँ F13 वैरायटी को रूप मान के 14 ईयर में हमने इस वैरायटी को रिलीज कर दिया। तो ये एक सिंपलेस्ट और सर्वसाधारण मेथड था जो कि होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी या वेरिएबिलिटी को देखने के लिए माना गया। ये स्पेशली ब्रीडिंग मेथड है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज होता है। इसमें होमो हेट्रोजाइगोसिटी यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि हमने यहाँ दो पेरेंट्स को यूज किया था। और ये एफ सेकेंड ईयर भी F1 आएगा क्योंकि यहाँ भी हेट्रोजाइगोसिटी मिलेगी। हेट्रोजाइगोसिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि 50% जो आपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा ए पेरेंट्स से या P1 से, और 50% जो मिलेगा वो मिलेगा बी पेरेंट्स से या P2 पेरेंट्स से मिलेगा। तो ये 50-50% जो देखने को मिलता है वो मिलता है बेसिकली हेट्रोजाइगोसिटी पैरामीटर में। और इसी को 100% एक पेरेंट्स में लाने के लिए या एक वैरायटी में लाने के लिए हम कंटिन्यूटी में सेल्फिंग कराते हैं, जहाँ यहाँ 100% हमें मिल जाएगी, होमोजाइगोसिटी मिल जाएगी, और उसको फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर ग्रो करते हैं। फिर उसका हम इंडिविजुअली प्लांट प्रोजनी ग्रो करते हैं, कोऑर्डिनेटेड इल ट्रायल लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम उस वैरायटी बनने लायक है, तो उसको हम एक रजिस्टर्ड कराएंगे, और रजिस्टर्ड कराने के बाद हम उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड था जिसके माध्यम से आज हमने ब्रीडिंग मेथड समझे, सेल पॉलिनेशन में कितने कितने ब्रीडिंग मेथड होते हैं और ये किन किन तरीकों से यूज करते हैं, जिसमें तीन बेसिकली देखे गए, मास, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड थर्ड इज़ द बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड, जिन पे मॉडर्न रूप से हमने इन बारे में अध्ययन की, चर्चा की। धन्यवाद।